गुरु जी, जितने भी नए साधक हैं जो पहली बार इस साल नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उन्हें कोई एक सिंपल साधना आप बता सके जो वो कर सके इन 9 दिनों में? सबसे पहले बेटा, नवरात्रि के लिए मैं आप सब बच्चों से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि नए साधक हैं तो बच्चे होंगे, तो सबसे पहले आप अपनी माँ को प्यार करें। माँ को कैसे मनाना है, एक छोटे बच्चे से कोई ज्यादा नहीं जानता। वो कभी रोता है, कभी रोने का ड्रामा करता है, कभी माँ को हग कर लेता है, कभी माँ से रूठ जाता है और माँ उसको मना लेती है और जो चाहता है जायज नजायज माँ उसकी मांग को पूरा कर देती है। जब तक हम बेटा अपनी जन्म देने वाली माँ से प्यार नहीं करते, उसके साथ हमारा कोई फीलिंग का रिलेशन नहीं है, तब तक हमारा उस माँ भगवती से प्यार नहीं हो सकता। चाहे वो नए साधक हो, चाहे पुराने हो, माँ से बढ़कर दोस्तों कोई दूसरा नहीं है, माँ जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो नए साधकों के लिए नवरात्रि का पहला दिन आप घी के 2 दिए जलाएं, तेल का 1 दिया जलाएं, कलश रख सकते हैं, ज्वारा लगाना है, खेतरी लगानी है लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएं। आप दोस्तों बच्चों नवरात्रि में संकल्प करना, गोल करना, क्या चाहिए आपको? आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपको अच्छे स्कोर चाहिए, आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आप जो भी हो, आप डॉक्टर हो तो और अच्छे डॉक्टर कैसे बने, वकील हो अच्छे वकील कैसे बने, मैनेजमेंट वाले हो अच्छी मैनेजमेंट वाले कैसे बने। एक 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 ही संकल्प रखना बेटा, एक ही बात रखना। आप ऐसे भी उस संकल्प को पूरा कर रहे हो, जब आप साधना में चले जाएंगे, मां के चरणों में चले जाएंगे, तो आपकी जो प्राप्त करने की स्पीड है बहुत बढ़ जाएगी, आपकी जीवन को एंजॉय करने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। 2 घी के दिए जलाएं, 1 तेल का दिया जलाएं, तेल सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। घी के दिए को लेफ्ट साइड में रखना, तेल के दिए को राइट साइड में रखना। कोशिश करें कि मौली की बत्ती से दिया जलाएं। घी का दिया पॉजिटिव शक्ति को इंक्रीज करता है, तेल का दिया नेगेटिव शक्ति को डिक्रीज करता है। दिया जला लिया, माँ के चरणों में नवरात्रि है, एक श्रीफल एक नारियल रख लें, पुष्प जरूर चढ़ाएं, फ्रेश फूल माँ को जरूर चढ़ाएं, और जो माँ का महामंत्र है, माँ का मूल मंत्र है, माँ का सिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र को आप बिना गुरु की दीक्षा के भी कर सकते हैं, आप बिना किसी पूछे भी कर सकते हैं, और मैंने वो मंत्र बहुत बार बताया है, फिर आज उस मंत्र को दोहराता हूं मैं। ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाए विच्चह। ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाए विच्चह। ओम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, उस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए, उस यूनिवर्स की शक्ति के लिए। एम माँ सरस्वती कृपा करे, माँ मुझ पे कृपा करो, मुझे अच्छा ज्ञान दो, अच्छा नॉलेज दो, अच्छी बुद्धि दो, अच्छे विचार दो। विचार दोस्तों सबसे बड़ा है आना जिंदगी में,
किसी को प्लेन बनाने का कभी विचार आया होगा, किसी को मोबाइल बनाने का विचार आया होगा, किसी को किडनी ट्रांसफर करने का विचार आया होगा, किसी को हार्ट ट्रांसफर करने का विचार आया होगा, किसी को पूरे विश्व में भारत का नाम करने का विचार आया होगा, किसी का भगवान से बात करने का विचार आया होगा, वो एम से ही आएगा। एम माँ शारदा की असीम शक्ति, माँ सरस्वती की असीम शक्ति, ऐसी मन में भावना करना। जो भी करते हो वहां बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। ओम एम हरीम बुद्धि है, माँ सरस्वती है, माँ शारदा है, तो माँ लक्ष्मी कृपा करो, मुझे धन दौलत वैभव सुख दो माँ, मुझे मैं पूर्णतः सुख भोगूं, मुझे पूर्णतः सुखों की प्राप्ति हो, मुझे माँ अच्छी गाड़ी दो, मुझे माँ अच्छा घर दो, जो चाहिए आपको। क्लीम दोनों हैं कि महाकाली मुझ पे ईगो नहीं आए, मुझ पे अहंकार नहीं।